हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के परावर्तन के नियम का। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए थे प्यारे बच्चों। तो जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस सेशन को एक बार शेयर कर देंगे प्यारे बच्चों। आइए आपके कीमती समय को ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हॉट टॉपिक है वो है परावर्तन का नियम, यानी आज हम लोगों को पढ़ना है परावर्तन के नियम, यानी रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग क्लास को शेयर कर दिए होंगे। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो आपके समय को ना लेते हुए, समय को नुकसान ना करने के लिए हमने कुछ चीज़ें पहले से बना के रखा है। वो चीज़ें इस प्रकार बनी हुई है, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। आइए हम आपको ज़रूर समझा देंगे कि एक बार पुनः वाली वीडियो में जो हमने चर्चा किया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाए तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, परावर्तन का जो नियम है वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। आइए इधर समझने का प्रयास करते हैं हम लोग परावर्तन के दो नियम। तो परावर्तन का जो दो नियम है वो प्रथम नियम हम लोग समझेंगे। सबसे पहले प्रथम नियम ध्यान से समझिएगा, प्रथम नियम, ठीक। अब ध्यान दीजिए, आइए अपने लगे जो सबसे पहले समझते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिएगा जो ये मेरा हाथ है, ये दर्पण है, ये कोई चिकना पृष्ठ है, इसका ये ऊपर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ है और ये नीचे वाले पृष्ठ से हमसे लेना देना नहीं है, नीचे पॉलिश किया गया होगा। और क्या होगा? अब देखिए क्या होगा, ये जो ब्लैक मार्कर है ये समझ लीजिएगा, एक मिनट के लिए आप समझ सकते हैं कि ये आपतित किरण हो गया। आप देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। ये जो हो गई, ये जो ब्लैक मार्कर हो गई, ये आपतित किरण हो गई, और ये जो ये रेड मार्कर है ये लौट कर जाने वाली कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण हो गई। तो ये आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। अब आप देख सकते हैं, अब उसके बाद इन दोनों किरणों के बीच जो एक लंब खींचा गया है, उस लंब को कौन दिखा रहे हैं? ये मान लीजिएगा ब्लू वाला मार्कर दिखा रहे हैं। ये कौन सा मार्कर दिखा रहा है? ब्लू वाला मार्कर। सॉरी गाइज, थोड़ा सा भी हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, हमने क्या बताया था आपको, ये देखिए ये लंब का काम कर रहे हैं और ये किसका काम कर रहे हैं? आपतित किरण का और ये परावर्तित किरण का। ये देख सकते हैं, ये तीनों इस प्रकार आप इसको व्यवस्थित कर लीजिए। ये देखिए, रेड मार्कर आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब का काम कर रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो तीनों किरण है वो पृष्ठ के एक ही ओर है, पृष्ठ के एक ही ओर है, पृष्ठ के नीचे नहीं है बल्कि पृष्ठ के ऊपर है, पृष्ठ के ऊपर है। तो पहला नियम यही है प्यारे बच्चों। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही ओर होते हैं। पहला नियम समझ में आया? क्या हमने बताया कि पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है? ये जो आपतन कोण है, ये जो आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, यानी जितना आपतन कोण रहेगा उतना परावर्तन कोण होगा। जैसे आपतन 60 डिग्री है तो परावर्तन भी 60 डिग्री होगा, आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। तो आइए, आप जरूर उम्मीद करते होंगे कि दोनों नियम आपको जरूर समझ में आया है। तो एक बार लिख लेते हैं, फिर रिपीट कर देंगे, आपको परावर्तन का नियम क्लियर हो जाएगा। तो लिखते हैं पहला नियम, क्या लिखेंगे पहला नियम? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है? अभी हमने बताया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ये आप लिख सकते हैं, ये है आपका दूसरा नियम। तो परावर्तन के जो दो नियम है वो आपके ये हैं, एक बार आप जरूर देख सकते हैं। हमने क्या बताया? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों पृष्ठ के एक ही ओर होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बताएगा? ये जो आपतन कोण आई है वो परावर्तन कोण के आर के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस प्रकार आपका जो परावर्तन का नियम ये दो ठो है। सौरभ सर चले। तो डियर स्टूडेंट, एक आप थोड़ा सा परावर्तन के नियम को समझते, देखिए ये क्या हो गया, एक समय के लिए मान लीजिएगा ये चिकना पृष्ठ हो गया, ये ऊपर वाला पृष्ठ क्या है? चिकना है, और नीचे वाला पृष्ठ जो है पॉलिशदार है। नीचे क्या किया गया? पॉलिश किया गया, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर वाला तल हो गया, एक नीचे तल हो गया, ये ऊपरी वाला पृष्ठ हो गया, ये नीचे वाला पृष्ठ हो गया, ये तल का ऊपरी पृष्ठ, ये तल का निचले वाला पृष्ठ। अब देखिए ये रिफिल है, ये आपको रिफिल दिखाई पड़ रहा होगा, तो रिफिल का जो नोक वाला भाग है वो पृष्ठ के अंदर धंसा हुआ है, यानी ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। अब देखिए ये आपतित किरण हो गई, अभी ये रेड वाली जो किरण है ये क्या है? अभिलंब है। तो ये जो रेड वाली, ये सॉरी किरण नहीं है, रिफिल है। तो ये जो रेड वाली रिफिल है ये क्या है? अभिलंब है, इसको बता रहा है। और ये जो किरण है, ये किरण किसको बता रहा है? परावर्तित किरण को बता रहा है। आप समझिएगा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ठीक। अब परावर्तन का पहला नियम देखिए, वो क्या कर रहे थे? आपतित किरण परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब। ये देखिए तीनों जो हैं एक ही तल में होते हैं, इसका मतलब समझिएगा, एक ही तल का मतलब है कि ये पृष्ठ के एक ही भाग में हो रहे हैं, नीचे नहीं आ रहा है, यानी जो परावर्तन का जो घटना घटित हो रहा है वो पृष्ठ के एक भाग में हो रहा है, नीचे नहीं होता। इसे ही कहा जाता है कि एक ही तल में होते हैं। बात समझिएगा, आप नहीं समझ पाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी प्यारे बच्चों, हमको बहुत बड़ा कष्ट होगा कि आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा सर कि आपके जो अनोखे तरीके हैं हमको समझ में आ रहे हैं, आप ही लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिए आपका रिस्पॉन्स देखने के लिए, तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं एक ही तल का मतलब। अब दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, यहां से लेके यहां तक का गैप, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो गैप को ही क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, जो झुकाव बन रहा है, जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाले कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप
कि ये आपको जो प्रैक्टिकल था, ये जो परावर्तन के नियम को समझाने के जो तरीके थे, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो जो अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।